हाय दोस्तों, राम राम। कैसे हो? और भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं, और आप लोग भी चाय पानी, आप लोगों की चाय पानी हो गई होगी और मेरी भी हो गई है चाय पानी। और अब मेरे चल रहा है नाश्ता पानी बनाने की तैयारी चल रही है, और आलू मेथी की सब्जी बना रखी है मैंने, और बच्चे हो रहे हैं काम के लिए तैयार, और बनाती हूँ मैं रोटी। हाँ, एक तो मैं भूल ही गई थी, सभी लोगों को फूलदेही सगान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे पहाड़ में आज वो फूलदेही का त्यौहार है, और बहुत मानते हैं हमारे पहाड़ में फूलदेही के सयान। और पहाड़ी लोगों को, गढ़वाली लोगों का होता होगा नहीं होता होगा, पर हमारे कुमाऊं में ये फूलदेही सयान मनाते हैं आज। और सबको बहुत बहुत फूलदेही सयान की बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पे मेरा बेटा मंदिर की सफाई कर रहा है, आप फूलदेही सगान है तो उसके लिए थोड़ा जनरल साफ सफाई कर रहा है, और मूर्तियाँ वो सब साफ सूफ धुलाई धुलाई कर रहा है, और यहाँ पे साफ कर रहा है। ये यहाँ पे रखे हैं, अभी इनको साफ करेगा। कोई भी त्यौहार आता है उस दिन एक बार पानी से सफाई करते हैं इनके, फिर उसके बाद गंगा जल डाल के नहलाते हैं इनको, भगवान जी को। यहाँ पर मेरी लड़की जा रही है काम के लिए, इसको मैंने नाश्ता पानी करवा दिया, लंच पैक करके दे दिया। ये देखो, हमने फूल खेल दिए, दराजी के देह से शुरू होता है फूल खेलना, और फिर यहाँ से कहाँ खेल रखे हैं इधर दिखाती हूँ मैं, फिर यहाँ चूल्हे के यहाँ पर खेल रखे हैं, और फिर दिखाती हूँ मैं, और यहाँ पर खेले हैं फूल, और यहाँ पर खेले हैं फूल, और यहाँ पर खेले हैं फूल। गांव में ऐसे दरवाजे पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे आते थे फूल खेलने के लिए, फूल दे। हमार टुप्पर भरी जो, तुम्हार भक्कार भरी जो, ये बोलते थे, और बहुत अच्छा लगते थे जब बच्चे आते थे घर पे। एक मतलब एक हमारे पहाड़ की रीति रिवाज है, वो मतलब रौनक जैसे आती थी, बहुत अच्छी रौनक आती थी जब बच्चे आते थे। आधे रास्ते से जब आते थे तो हम उनको देखे ही रहते थे, और भगवान करे तो सबके घर में छोटे बच्चे आए और फूलदेही सगान मनाए, और मेरे घर में भी छोटे बच्चे आए, मेरे घर में भी फूलदेही सगान हमेशा हम मनाते रहें। आप लोग भी हमेशा फूलदेही सगान मनाते रहना, और सबके घर में, हमारे घर में सुख समृद्धि आते रहे। पूजा आप फुलझगान है, उसके लिए उसकी खुशी में मैंने खीर बना रखी है थोड़ा मंदिर में चढ़ाने के लिए, और बाकी पूरी पकौड़ी मैंने बनाया नहीं, मैं जल्दी जल्दी कर नहीं पाती हूँ काम, तो वैसे मैंने पूरी पकौड़ी और सब्जी मतलब मैं सब कुछ बनाना था, लेकिन मैं क्या हो जाता कि सुबह बच्चों ने काम पर जाना है तो उनकी जल्दीबाजी में नहीं कर पाती हूँ मैं। और तो अगर सभी घर लोग घर में रहेंगे तब सुबह नहा धो के सगरान बनाना अच्छा होता है, तो मैं अभी नहा धो के तब जाके मैंने ये भगवान जी के लिए खीर बना रखी है,
क्योंकि हम गांव में हम यहाँ तो जो है हमेशा मतलब कोई ना कोई पूजा कर ही लेते हैं। गांव में तो वही होता था कि 6 महीने में साल भर में एक दिन जब त्योहार आता है उसी दिन पकवान भी बनता है, उसी दिन इष्ट देव की पूजा भी होती है, उसी दिन इष्ट देव को ये पूरी पकौड़ी जो भी बनाया वो भी चढ़ता है। और तो मैंने इष्ट देव के नाम का और ये फूलदेव सगानी का नाम का ये प्रसाद बना रखा है। मेरा खाना बन के तैयार हो गया है और मैंने बना रखी है ये कढ़ी चावल बना रखे हैं। और इसमें मैंने ये फुलार चावल भिगा रखे हैं क्योंकि आज ये फूल खिलने वाले दिन त्योहार में वो कहते हैं कि मतलब रंगीन चावल बनाते हैं तो शाम को बनाएंगे रंगीन चावल। ये इसमें मैंने चावल बना रखे हैं ये, और इसमें मैंने मूली काट रखी है और अब मैं इनको देती हूँ खाना। हाय दोस्तों, मैंने बना रखे हैं फुलसिगानी के खज मीठे चावल और मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने जिसमें मैंने तिल भूट के डाले हैं और घी में बना रखे हैं मैंने ये चावल आज के दिन बनाने जरूरी होते हैं, यही भगवान जी को खास चढ़ता है। तो मैंने कलर के लिए हल्दी भी डाल रखी है, चुकंदर भी डाल रखा है और तो इसमें कलर आता है और बहुत टेस्टी होते हैं ये। बना के देखना और खा के भी देखना और कैसे होंगे तो मुझे भी बताना। मैं बना रही हूँ, किसी ने मेरे को बताया कि बथुआ का रायता बहुत टेस्टी होता है और तो मैंने आप बथुआ का रायता बना रखा है और ये इनको पता नहीं कैसा लगता, मैं पहली बार बना रही हूँ। मैंने कहा कैसा होता है मतलब हम बना के ट्राई करेंगे टेस्ट करेंगे। और तो मैंने रायता बना के तैयार कर दिया और यहाँ पर मैंने बना रखे हरा सब्जी बथुआ का और सरसों का। तो कोई तो पीस के बनाते हैं बल घोटा बनाते हैं बल कोई, और तो मैं यह तो बनाती हूँ भात के साथ कापू और यह मैं रोटी के साथ बनाती हूँ। तो मैं वैसे मतलब मैं छौंक के बनाती हूँ कि राई जीरा का तड़का लगा के छौंका लगाती हूँ और तो इनको सबको वो छौंका लगाया हुआ अच्छा लगता है और घोटा वाला अच्छा नहीं लगता है। ये बन रही है मेरी सरसों और बथुआ की सब्जी और यहाँ पर मैंने बना रखा है ये बथुआ का रायता। हेलो दोस्तों, खा लिया आप लोगों ने खाना? हमने भी खा लिया खाना और खाना खा के मैंने बर्तन धो दिए हैं, चूल्हा साफ कर दिया और दिन की खीर बना के रखी थी तो वो खीर मैंने इनको बच्चे को दिया ने बोला मैंने अभी हमने रायता खा रखा है तो थोड़ा देर में खाएंगे। और तो एक चूल्हे में खीर गर्म हो रही है, एक चूल्हे में दूध गर्म हो रहा है और दूध गर्म हो जाएगा फिर मैं इनको खीर दूंगी गरम। और यहाँ पर हो रही है खीर गरम, ये मैंने ये रखा है कटोरी में और ये अभी बातों पर लगे हैं तो इनके बातें ख़त्म ही नहीं होते हैं तो बात ख़त्म हो जाएंगे फिर ये खाएंगे खीर। ये सब साफ कर दिया मैंने और ये बर्तन धो दिए हैं, सिंग साफ हो गया मेरा। गुड नाइट दोस्तों, सो जाइए आप लोग भी, मैं भी सोने को जा रही हूँ।